क्या तुम लोगों ने कल का म्यूजिक कॉन्सर्ट देखा? कितना मजेदार था ना, मुझे बहुत पसंद आया। क्या कहा, तुम्हें म्यूजिकल कॉन्सर्ट बहुत पसंद है मिची को? हाँ, उनका म्यूजिक अच्छा होता है और ऐसे लोग अपने घर में जानवर भी पालते हैं, और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो जानवरों को पालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो तुम्हें कबूतर बहुत पसंद होंगे ना? हा? कबाऊ ने अपने घर में बहुत सारे कबूतर पाले हैं, वो भी रेसिंग वाले। कबाऊ और कबूतर? वो मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए नहीं बताया। कोई बात नहीं कबाऊ, जो लोग अपने घर में बर्ड्स रखते हैं वो दिल के साफ होते हैं, और ऐसे लोग मुझे पसंद है। बड़ा है। बर्ड्स पालना इसमें कौन सी बड़ी बात है? मित्सुओ, तुम्हारे घर में कोई पेट है? वो मेरे घर में कौवे है ना। तुम भी कबूतर पाल के दिखाओ ना। तुम जब उसे पालोगी तो मुझे उसे देखने जरूर बुलाना। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर मिलाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। क्या होगा अगर इसने सचमुच दिखा दिया? एक बार कहा ना, बिल्कुल नहीं। मामा मामा प्लीज, हम कबूतर खरीद के घर लाए। नहीं मित्सुओ, घर तो ले आएंगे, पर उसे संभालेगा कौन? मैं हूँ ना उन्हें संभालने के लिए। मैं जानती हूँ तुम कितना संभालोगे। पहले उस डॉगी को ले आए थे और वो बिल्ली। तुम तो बस अपने फ्रेंड परमैन के साथ खुश रहो, वो भी तो हर रोज हमारे घर कबूतर की तरह उड़ कर आ जाता है। लगता है अब इस कबूतर को भी मुझे ही पकड़ कर लाना होगा। लगता है फंस गया। ओहो बुबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो साधारण कबूतर है जो हर जगह मिलते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं मिचिको को कबूतर कैसे दिखा पाऊंगा। क्या तुम्हारे रोबोट की मदद से? शुक्रिया बूबी, अब मैं मिचिको के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाऊंगा। मिचिको, ये देखो, ये रहा मेरा कबूतर, देखो देखो। अरे वाह, कितना सुंदर है। लेकिन मेरे हिसाब से कबाऊ का कबूतर ज्यादा सुंदर है। उसके सुनहरे पंखों को देखो, उसके चेहरे को देखो, उसका कबूतर बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, उसके होंठ देखो। क्या कहा, जरा फिर से कहो तो साबो। कुछ नहीं। मित्सुओ, कबाऊ का कबूतर रेस में भाग लेने वाला है। क्या रेस? कबूतर की रेस? कबूतर कैसे भाग ले सकता है? अरे कबाऊ ने तो अपने कबूतर को पूरी तरह ट्रेन किया है। क्या क्या कहा, तो इस रेस में मेरा कबूतर भी भाग लेगा? तो इसका मतलब तुम मेरे खिलाफ रेस करोगे मित्सुओ? क्यों नहीं। बुबी मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, दरअसल मैंने जोश में कमिट कर दिया। तो तुम दोनों यहाँ पर हो? पायन, पाको। वो हमें कबूतर रेस के ऑर्गेनाइजर्स ने रिक्वेस्ट की कि सारे कबूतरों को स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाएं। तो हमें लगा कि तुम भी हमारे साथ चलोगे। कबूतरों की रेस, मैं तो जरूर तुम लोगों के साथ आऊंगा। कबाऊ में आ रहा हूँ। मेरा रोबोट कबूतर ही फर्स्ट आएगा। अच्छा, तो मित्सुओ ने बूबी के रोबोट को रेस में भेज दिया? तुम्हें तो जरा भी दिमाग नहीं है, ये तुमने गलत किया। डरो मत बूबी, वो एक मैसेंजर कबूतर है, वो वापस आएगा। हाँ बूबी डरो मत, चलो ना मेरे साथ टीवी देखने चलो। और अब देखते हैं आज के मौसम का हाल। ये पिक्चर हमारे वेदर सैटेलाइट से ली गई है। पूर्वी दिशा में हवा का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है तूफान कभी भी आ सकता है। लोगों से अपील है वो तूफान से बचकर रहें। तूफान आने वाला है। तूफान कबूतर रेस की तरफ ही आ रहा है। रोबोट तुम जाओ, कबाऊ और उसके दोस्तों को इन्फॉर्म करो, जाओ। ये तूफान तो बढ़ता ही जा रहा है, हम कबूतरों को ढूंढेंगे कैसे? प्लीज दोस्तों, प्लीज कुछ करो। अगर हम उन कबूतरों को ढूंढ नहीं पाए ना, तो बर्डमैन मुझे जरूर मार डालेंगे। वो तुम्हें मार नहीं डालेंगे, तुम्हें कबूतर बना देंगे। तूफान के वक्त सारे बर्ड्स कहाँ सहारा ढूंढते हैं?
अरे हाँ, वो तो सहारा चलते हुए जहाज पर लेते हैं। चलो जल्दी से शिप बनाएं। जहाज बनाना है तो बहुत सारा रॉ मटेरियल लगेगा। क्या तूफान आ रहा है? हाँ, और उन सारे कबूतरों को बचाने सारे परमैंस गए हुए हैं। मेरा कबूतर। इससे कबूतर हमारे राफ्ट को जल्दी ढूंढ लेंगे दोस्तों। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए, अब तक तो आ जाने चाहिए थे। हाँ? अरे कबूतर आ गए, वो देखो आ गए। हमने कर दिखाया। अब हमें इस तूफान का कोई डर नहीं। क्या बात है वाह! अरे बूबी तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारा रोबोट कबूतर नहीं आया? पता नहीं रोबोट कबूतर को क्या हुआ होगा। हमें कुछ देर और इंतजार करना चाहिए। अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है दोस्तों, चलते हैं। हुर्रे! ये कबूतर को बचाना है। नहीं क्या हुआ होगा। वो देखो एक कबूतर आ रहा है। वो मेरा कबूतर है, मेरा कबूतर आ गया। अरे आओ यार। ओह ये कबूतर तो हमसे दूर उड़ता जा रहा है, अब क्या करें? कुछ भी करके उसे पकड़ना ही होगा। सारे कबूतर अपने मालिक के पास पहुंच गए, लेकिन मिट्सुओ का कबूतर उसी की तरह भुलक्कड़ है।